सरकार पलट दे। हाँ पलट दे, किसानों के लिए तो बहुत बेकार काम हो रहा है। सबके लिए, छोटे बड़े सभी के लिए अच्छे हो, उसमें भेदभाव नहीं करते ही कांग्रेस हमारे वास्ते। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, मोदी जी के नाम पे चुनाव, देशभक्ति के हिसाब से भी और विकास के मुद्दे पे दोनों पर। यहाँ तो भाजपा है, चप्पा चप्पा भाजपा जी। नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम मध्य प्रदेश के मंदसौर में हैं और इसे मध्य प्रदेश की गर्दन भी कहते हैं क्योंकि तीन तरफ से ये जिला राजस्थान से घिरा हुआ है। यहाँ पर अष्टमुखी महादेव विराजते हैं, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, तो राजनीतिक तौर पर भी ये जिला बेहद महत्वपूर्ण है। 2018 से पहले यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में किसानों की मौत हुई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बनी। लेकिन यही वो जिला है जहां पर कांग्रेस के सबसे पहले विधायक ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस की सरकार गिर भी गई। लेकिन इस बार यहां के लोग किसे अपनाना चाहते हैं? अभी फिलहाल चार यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, चार की चार सीटें बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन कमलनाथ दौरा कर चुके हैं, क्या वो यहां का माहौल बदल पाए हैं? आइए लोगों से पूछेंगे, उनका मूड जानेंगे। हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के बड़ी मंडियों में से एक मंदसौर की मंडी में, जहां पर प्याज और लहसुन के लिए लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं यहां पर खरीदारी करने के लिए। तो किसान अपना जो उत्पाद होता है उसको बेचने के लिए यहां पर आते हैं और वही लोग यहां पर आप देखिए चारों तरफ खड़े हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आप लोगों का काम धाम। माल भाव बताओ ना, अपना ढेर नहीं है, ये अपना ढेर नहीं है। आपका ढेर नहीं है? कहीं अपना ढेर है कि नहीं है? वहाँ पड़ा। हाँ तो जरूरी थोड़ा ना अपने ढेर के पास खड़े होके ही बात करेंगे, किसी के ढेर के पास खड़े होके कर लीजिए। तो आप खड़े हैं तो इसलिए हम भी आ गए। हाँ, तो हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हमने कहा कि आपसे बात भी कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि किसानों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है मध्य प्रदेश में? नहीं चल रहा है, भाव गिर गया है प्याज का तो। 4,044 का मैंने बेचा है और आज तो ये 2,500-3,000 भी नहीं जा रहा है, तो भाव तो कितना गिर गया है किसानों के। मेहनत भाव तो गिरा है लेकिन सरकार गिरेगी कि सरकार वापस आएगी? क्या मालूम अब क्या कह सकते हैं सरकार का, तो सरकार का नहीं पता। सरकार का क्या पता लगता है क्या? पब्लिक का पता लगता है क्या? किसी का ही पता नहीं लगता। आप लोग क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमारे तो माल का भाव चाहते हैं हम। माल का भाव मिले तो अच्छी बात है, माल का भाव बस मिलना चाहिए। सरकार कोई भी आए जाए, सरकार कौन सी भी है, सरकार से कोई फर्क नहीं पड़े। सरकार से फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, माल का भाव मिलेगा तो सरकार को वो चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुनेंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि सरकार जो है या दूसरी सरकार कोई आ जाएगी तो उससे भाव पर फर्क पड़ेगा? ऐसा हो भी सकता है। सरकार जो चल रही है उसको बचाएंगे या सरकार पलटेंगे? सरकार पलटेगी, सरकार पलट देंगे। हाँ पलटेगी, किसानों के हित के लिए तो बहुत बेकार काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, आप लोगों के हित का काम नहीं हो रहा है, आप सबको ऐसा ही लगता है क्या? क्या नहीं, अभी तो सरकार ही नहीं है ना। सरकार नहीं है, कहाँ गई सरकार? सरकार कहाँ है? अरे सरकार नहीं, आचार संहिता लग रही, कोई सरकार का। हाँ तो आचार संहिता में तो सरकार कोई योजना नहीं लेकर आएगी, नहीं है ना, नई योजना का ऐलान नहीं किया। आप लोग भी खेत में काम करते हैं? करते हैं ना। क्या लेकर आए? प्याज लेके आए। प्याज बिक गया? बिक गया, 33 रुपए किलो बिका। सही मिला है? नहीं मिला। तो एक चीज बताइए, आप लोग अभी जो सरकार है उससे खुश हैं, उसको रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए अभी। कांग्रेस की? जी। क्यों? भाव अच्छा मिलता है उस कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार में भाव अच्छा मिलता है? जी मिलता है। और बीजेपी की सरकार में? नहीं कुछ नहीं है। हम ये सरकार खरीदती है या नहीं? शिवराज की सरकार है ना, ये किसानों की सरकार नहीं है। तो जितने आयात थोड़ी नहीं हो गई, आयात कर दो तो माल गिरी गये। क्या कह रहे हो? प्याज के ऊपर शुल्क लगा, इस वजह से प्याज का भाव गिर गया अभी। हाँ। तो अभी क्यों लगाया? किसान का माल आया उस टाइम पे ही क्यों लगाया? उससे पहले भी लगा सकते थे, अभी क्यों बढ़ाया है?
तो भाव गिर इसका गया? इसका आप लोगों को लगता है कि असर एक चीज बताइए, 26 रुपए किलो लगा खाली माली, जबकि 40 रुपए किलो बिकने वाला प्याज था अभी। अच्छा, एक चीज बताइए कि इसका असर चुनाव पर होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, क्या होगा? भाव गिर रहा है, किसान सब मुरझा रहा है चेहरे सबके, ये कोई नहीं देखता है। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि शुल्क नहीं लगाया अभी अपन, ये लगाने से भाव गिरा है अभी के। आप लोगों को लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ जाएगा, इससे सरकार बदल जाएगी? हर किसान के दिल में यही है कि भाव अच्छा मिलना चाहिए। किसानों के दिल में क्या है, यही है, बीजेपी है कि कांग्रेस है? बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, तो है तो आना जाना रखता जाएगा, सभी अपना वोट देंगे उस टाइम पे पता चलेगा, तो पहले से कोई नहीं करता इसमें, उस टाइम पे ही सब पता चलेगा। आप भी लेकर आए हैं कुछ? हाँ, प्याज लेके आए। आप भी प्याज लेकर आए? आपका कितने का बिका? 1500 का बिका। इधर तो 3300 रुपए का बिक रहा है, इतना सस्ता क्यों बेच दिया? बिक रहा 3300 रुपए, वो पुराने नए में सब में डिफरेंस है, कोई कोई मतलब नहीं है। प्याज अब अगले साल किसान लगाएगा भी नहीं, क्योंकि मरना है प्याज लगा के। अच्छा, सरकार तो वैसे तो मार्केट में प्याज का रेट बढ़ गया है, वो तो सरकार की सब बढ़ा, यहाँ थोड़ी बढ़ा क्या, जीएसटी लगा देते हैं वहाँ तो ना, कुछ भी लगा के ले लेते हैं, नहीं यहाँ तो हमको कुछ भी करके खत्म। एक चीज बताइए, आप युवा भी हैं और किसान भी हैं, तो आप लोगों की पसंद कौन है, आप लोग किसको चाहते हैं? सरकार कौन सी, सरकार से मतलब नहीं है, जो भी आए किसानों के लिए कुछ करे वो चीज चाहिए हमको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो ये मंडी का भाव भी आपने देख लिया, प्याज का जान लिया कि यहाँ से प्याज कितने का जा रहा है और आपके घर तक कितने का पहुंच पा रहा है, और ये भी समझ गए होंगे थोड़ा कि किसान किसके साथ जाना चाहते हैं और किसे नहीं अपनाना चाहते हैं। अब आपको आगे लेकर चलते हैं। मंदसौर का मोमिन मोहल्ला, यहाँ हथकरघे का काम होता है और पहले तो बड़ी संख्या में लोग इस काम में लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कारोबार छोटा होता जा रहा है। हम इसी मोहल्ले में आ गए हैं और आपको दिखाते भी हैं कि यहाँ कैसे घर घर में हथकरघे से कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये देखिए, ये घरेलू हथकरघा है जिसे घर में ही लगा दिया जाता है। देखिए इधर माता जी भी चद्दर बुन रही है। हाँ, ये क्या बना रही हैं? अस्पताल का बैंडेज है। अच्छा, अस्पताल में जो बैंडेज जाता है वो आप बुन रही हैं? वो बुन रही हैं। ठीक है, तो कितने टाइम से बुन रही हैं ये सब? मेरे को होगा 5-7 साल होगा। 5-7 साल? नहीं, मुझे तो हो गया तो बहुत, अपन अभी 7 साल होगा इसको ही बुनते बुनते। 7 साल इसको बुनते बुनते हो? कोई बुनते बुनते। अच्छा, और बाकी उससे पहले क्या करते थे? उससे चादर बनाती, कम्बल बनाती, सब चीज बनाती। अच्छा, एक चीज बनाओ, इतना सब कुछ आप बनाती? सब चीज बना लेते हैं हम, जैसा धागा आदरता ऐसा सब बना लेते हैं। इतना आप बनाती, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाती? अब देखो, वोट पड़े, वोट जो जीत जाए अपना, तो वोट तो सबको देना, अपना अपने भाव तो सब सही के, यू नहीं है कि नहीं है, वोट तो सब अपने ही है। और तुम भी हमारे हो, हम भी आपके ही है। आप धंधा लाओगे, हम ऑर्डर लाओगे, हम कपड़ा बनाएंगे, देंगे तो हम आपको ही देंगे, जो ऑर्डर लाएगा भाई यो बनाओ वो बनाओ। अच्छा अम्मा, एक चीज बताओ, अभी वाली जो सरकार है इसमें काम ठीक चल रहा है? कोई नहीं चल रही है, बहुत कम से कम है, कम काम है। कम, तो ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार बदल देंगे? अभी इंशाल्लाह, देखो ऊपर वाला है। घरों में चरखा काटते लोग और लोगों का मूड भापता हुआ आपका धरती पुत्र, हम पहुंच चुके हैं। देखिए, ये है खिलचीपुरा मंदसौर का, और देखेंगे कि घरों में लोग इस तरीके से चरखे से अपना सूत काटते हैं और कपड़ा बनाते हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग हमें देखकर हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। महिलाएं भी हैं बहुत बड़ी संख्या में जो यही काम में लगी हुई हैं। माता जी, क्या करती हैं आप लोग? हम कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बनाते, क्या क्या कपड़ा बनाती हैं? बेडशीट, चादर। हाँ, पहले काम ज्यादा था कि अब है? नहीं है, काम नहीं है बिल्कुल भी, अभी कम आ रही है, अब काम कम आ रही है। कम आ रही है, पहले बहुत चलता था, अब नहीं चल रही है, पहले बहुत चलता था। सरकारी ऑर्डर मिल ही नहीं रहा हमारे को। सरकारी ऑर्डर नहीं मिल रहा है? नहीं रहा, कम, बहुत कम मिल रहा है। क्या नाम है आपका? शायदा बानो। शायदा बानो। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में आप लोगों की पसंद कौन है? पसंद कौन
क्या वोट देते हैं हम तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। आप लोग कांग्रेस को ही वोट देते हैं? कांग्रेस को ही देते हैं मुसलमान। हम तो देते हैं। क्या कह रहे हैं? हमेशा देते हैं, हमेशा देते हैं। जिसके मुंह पे माइक लगता है वो जोर से बोला करे, जिसके मुंह पे माइक लगता है वो बोलेंगी नहीं, दूसरी वाली बोलेंगी तो आवाज ही नहीं आएगी। हाँ अब बताइए आप क्या कह रही हैं? कांग्रेस को वोट देते हैं हम तो। कांग्रेस को क्यों? क्यों? आपकी अपनी पार्टी कांग्रेस है? कांग्रेस मतलब सबके लिए, छोटे बड़े सभी के लिए अच्छे है वो, उसमें भेदभाव नहीं करते कांग्रेस हमारे वास्ते। अच्छा, इसलिए। और कौन भेदभाव करता है? नहीं वह तो सब एक नजरिए से चलते हैं उसमें। हाँ। कांग्रेस की नजर में सब एक ही भाव में है। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुसलमान कांग्रेस की और कांग्रेस मुसलमान। हाँ ठीक है, ऐसा कांग्रेस पार्टी मुसलमान की है। ये तो नहीं सोचा हम तो है? ये सब थोड़ी सोचे, वो जिसमें जिसके समझ में आवे जिसे देवे की। हाँ। वोट तो अपने मन का है। हाँ। बस आप लोग मोदी जी को ज्यादा पसंद करते हैं कि राहुल जी को? राहुल जी क्या? राहुल गांधी को। लेकिन मंदसौर में तो बीजेपी के पास चारों विधानसभा है, विधानसभा की जो सीट है वो चारों बीजेपी के पास है। कहते हैं कि बीजेपी का ही गढ़ है। नहीं, भेदभाव बहुत ज्यादा उसमें। अच्छा मैं एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, देखिए आप इतनी अच्छे से बात कर रही हैं कि क्या भेदभाव है। मतलब कोई योजना आ रही है, अगर मान लीजिए 1100 रुपए वाली योजना आई, लाडली बहन योजना, तो क्या उसमें मुस्लिम बहनों को नहीं मिला? नहीं मिला, मिला सबको मिला। पानी जो आता है वो पानी क्या मुसलमानों के इलाके में मुस्लिम बहनों और भाइयों के इलाकों में कम आता है और हिंदू भाई बहनों के इलाके में ज्यादा आता है? नहीं, पानी तो बहुत कुएं का पानी है। हाँ। कहीं से नहीं आ रही है, नदी का कहाँ पानी है, फीका पानी है। हमारे यहाँ तो सारा ही कुएं का पानी है, बहुत लीकी तो बहुत दिक्कत है पानी। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सल्लू खान। सल्लू खान? हाँ सल्लू खान सर। मेरा एक कहना है, ये बात हो गई अनशिक्षित लोगों की। किनों की होगी? अनशिक्षित लोगों की। कौन है अनशिक्षित? अनशिक्षित जो बोल रहे हैं कि नौकरी सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिल रही, हिंदू को मिल रही, नौकरी सबको मिल रही है। हाँ। सिर्फ यह है कि काबिलियत चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे वो खुद काबिल बनेगा, वो खुद रोजगार ढूंढ लेगा, नौकरी ढूंढ लेगा। तो इसमें ये नहीं है कि भेदभाव हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ, पर यह है कि किसी की पसंद कांग्रेस है, किसी की पसंद बीजेपी है। आपकी? मेरी तो ये है, मैं व्यक्तिगत वोट डालता हूँ, अच्छे व्यक्ति को देख के वोट डालता हूँ। बोलते बोलते रुक गए हैं। बताइए कि आपके इलाके से अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार कोई भी पार्टी खड़ी करती है तो आप लोग उसको वोट डालेंगे या फिर जो अच्छा होगा ये देखकर वोट डालेंगे कि अच्छा है? देखिए पंडित जी मेरा दोस्त है। हाँ। है ना, ये अच्छे व्यक्ति है। हाँ। ये बीजेपी में जाएंगे मैं उनके साथ बीजेपी में रहूंगा। हाँ। ये कांग्रेस में जाएंगे मैं इनके साथ में रहूंगा। पंडित जी आपकी तो बल्ले बल्ले है, दोनों हाथ की उंगलियां आपकी घी में हैं, हैं? आप इधर जाइए तब भी आपके साथ जाएंगे, उधर जाइए तब भी आपके साथ जाएंगे, लेकिन माहौल क्या है? माहौल तो ये है कि जिस हिसाब से एक तरफ विकास की बात हो रही, एक तरफ भ्रष्टाचार की बात हो रही, हम ये भी देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, इससे हम उसको नजरअंदाज नहीं कर रहे। मंसूर जो विकास हुआ, विकास होने के साथ साथ भ्रष्टाचार को जिस तरीके से बढ़ावा मिला है उससे जनता त्रस्त है। अब जनता ये सोच रही है कि वोट मत किस हिसाब से करे, मत इस हिसाब से होगा कि विकास के नाम से वोट नहीं मिलेगा। अब जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस बार मध्य प्रदेश की जनता। ये मंदसौर का खाल मार्केट है और लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में नजर आते हैं, तो हमने कहा क्यों नहीं ऐसे ही घूमकर इस मार्केट का भी जरा हाल ले लिया जाए, पता कर लिया जाए और मूड भांप लिया जाए। आइए जरा शुरुआत कर लेते हैं इधर। ऐसा नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रेम प्रकाश मोटवानी। प्रेम भाई क्या लग रहा है कि सप्रेम आप लोग किसको इस बार सत्ता में शिखर पर बिठाएंगे? हमें तो अब चल रहा है माहौल, तो दोनों साइड चल रहा है। हाँ। जो भी होगा, क्या 50-50 वाला मामला है? नहीं चल रहा, लग रहा है गड़बड़ रहेगा, कांटे की टक्कर तो रहेगी। टक्कर है, टक्कर है। तो मंदसौर में पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास, फिर 1 कांग्रेस वाली जो थी वो भी बीजेपी को चली गई, मतलब 4 की 4 सीटें चली गई मंदसौर जिले की। इस बार क्या लग रहा है? गढ़ तो बीजेपी का ही है ज्यादा, मतलब चारों की एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बोल नहीं सकते आगे का मालूम। आप लोगों के मन में क्या है? मैं क्या मालूम पड़ेगा, वो तो जब वोटिंग होगी तब मालूम पड़ेगा। वो तो मन की बात खुलकर कहने का है। क्या जी क्या खरीदे इसमें? कपड़े हैं। कपड़े दिवाली के लिए?
शादी के लिए। शादी के लिए, दिवाली से पहले शादी की, दिवाली के बाद में? बाद में। बाद में तो कपड़े अभी से ले रहे हैं, तो ये कपड़ा अपना दिवाली पर भी काम आ जाएगा, बाद में शादी में भी काम आ जाएगा। दीपावली पे दूसरे लेंगे, दिवाली पे दूसरे लेंगे। देखो ये होती है बात, ऐसा नहीं कि कपड़ा खरीदा है तो दिवाली पर पहन लेंगे फिर शादी में भी चले जाएंगे। दिवाली अलग फंक्शन है, शादी। क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते, किसान हैं आप। क्या लग रहा है आप लोगों के बीच चर्चा वर्चा होती होगी, तो इस बार चुनाव में किस मुद्दे पर लोग वोट करने वाले हैं? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है। हुआ है तो मामा मोदी जी के नाम पर वोटिंग आप लोग चाह रहे हैं, या उनको पसंद कर रहे हैं उनको चुनना चाह रहे हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं बदल दें? मोदी जी के नाम पे चुनाव होगा। मोदी जी के नाम पर होगा, तो ऐसी क्या बात है मोदी जी के नाम पर क्यों चुनाव होगा? ये देशभक्ति के हिसाब से भी और विकास के मुद्दे पर, दोनों पर, देशभक्ति और विकास, देशभक्ति और विकास दोनों के मुद्दे पर चुनाव, ऐसा आपको लग रहा है? चलिए आइए जरा इधर देखिए, सूटकेस की दुकान है। नमस्कार जी। हाँ, इतना सारा बैग रखे हुए हैं, इसमें कुछ सामान वामान दिवाली का गिफ्ट भी रखे हुए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, गिफ्ट वगैरह तो क्या, वैसे ही सब 50% 60% लेस वाला मामला चलता है अब तो। अच्छा। हाँ, काम ठंडा है क्या बैग का? नहीं, अभी तो ये रेडीमेड चप्पल जूते इनका चलता, हमारा शादी ब्याह का सीजन अब देव उठने से चलेगा। हाँ, 17 तारीख के बाद से चलेगा, 22-23 के देव उठने 11 से वो लगन सारे चालू हो जाते हैं। हाँ, ये बात अच्छी। उसके इधर चुनाव भी अब होने वाला है ना? चुनाव 17 को है ना? 17 को चुनाव है और 22 को देव उठने के एकादशी। जी हाँ। तो इस बार 17 तारीख को कौन उठेगा और कौन बैठेगा? अब दोनों बिरोबरी की टक्कर है हमारे यहाँ तो। हाँ, इस बार कुछ नहीं कह सकते। इस बार क्यों, कौन सी पार्टी को ज्यादा डर लग रहा है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? किसकी बनेगी रे रियाज? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बने सरकार? सरकार बीजेपी की? बीजेपी बने, बिल्कुल बनेगी बीजेपी की। क्यों? कैसे? कांग्रेस वालों ने काम नहीं करा कुछ भी, 50 साल कांग्रेस ने राज करा है। 50 साल में किसी गाँव में बताओ, 50 साल में गड्ढे बुढ़े हो किसी गाँव के अंदर? आज देख लो, रोड, लेटरिन बाथरूम और मतलब लेडीज को सुरक्षा सब कुछ में काम करा कांग्रेस ने क्या? और इस बार बीजेपी आएगी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। क्या वजह है जो आप लोगों को लग रहा है कि फिर से आ जाएगी? जो काम मोदी जी कर रहे हैं, जो इस चीज को बढ़ा रहे हैं, समापन कर रहे हैं, हर चीज का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो मोदी ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मोदी जी वाला फैक्टर बहुत बड़ा है क्या इस बार? हाँ, इस बार है, कितना भी कर ले कांग्रेस जी, मगर मोदी ही आएगा। मोदी जी। अच्छा, क्योंकि आप लोग बाजार में हैं, व्यापारी हैं आप लोग, तो क्या व्यापारियों का रुझान किधर है, व्यापारियों का झुकाव किधर है? व्यापारी नाराज है बीजेपी से, वो बात अलग है, मगर फिर भी बीजेपी काम आएगी। नाराज भी है लेकिन जाएंगे बीजेपी के, बीजेपी के साथ, भले कितना भी घाटा कर ले, व्यापारी में कितनी परेशानी आए, मगर बीजेपी ही आएगी। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, क्या व्यापारी जो हैं वो इस बार किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है, हम तो शुरू से बीजेपी के हैं, अब परिवर्तन चाहते हैं, बस हो गया। तो बीजेपी के हैं, परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस के पक्ष में है, मतलब पिछली बार तक आप लोग कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, तो इस बार आप लोगों के कांग्रेस के पक्ष में हो जाने की क्या वजह है? धंधों की चौपट कर दी ना सब। धंधे चौपट हो गए ऑनलाइन से। अच्छा, कोई व्यापारी नहीं है अभी, 8 दिन बचे त्योहार में, दुकानें सन्नाटे में पड़ी हुई है। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इस बार एक चीज बताइए कि आप लोगों की पसंद कौन है चुनाव में? देखो, हम तो हमेशा बीजेपी के साथ ही हैं और रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे भी। कसम खाई है? कसम खाई है। ऐसे ऐसी क्या कसम है और क्यों ऐसी कसम खाई? कसम वाली बात नहीं, हमको भरोसा है और हाँ। आप लोगों को ज्यादा बीजेपी पर भरोसा है? बिल्कुल। और मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए या फिर मामा ही रहने चाहिए? देखो, अगर बीजेपी आएगी तो मामा ही बनेंगे ना। और ये बताइए कि मामा के नाम पर ज्यादा लोग मतलब बीजेपी की तरफ हैं या मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर। तो मोदी जी, ऐसी क्या वजह है कि लोग विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी के नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके काम दिख रहे हैं लोगों को। हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का दिल किससे मिल रहा है? भैया, यहाँ तो भाजपा है, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। बिल्कुल। अच्छा, ये नारा अभी भी चल रहा है, जिंदा है ना? जिंदा है। अच्छा, आगे भी जिंदा रहेगा।
तो चप्पा चप्पा में ऐसा भाजपा का क्या है जो जिंदा रहेगा? भैया बहुत कुछ है, बहुत चीजें हैं। जो कांग्रेस की इतनी 65 साल की सरकार रही तो उन्होंने कुछ नहीं करा, भाजपा ने बहुत सारा काम करा है। अच्छा। मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। क्या जी? हाँ सर। खड़े हो जाइए। हाँ देखो 6 फुट का आदमी बैठ रहा, बैठ के लग रहा था 3 फुट। क्या नाम है? ईश्वर पाटीदार। पाटीदार जी, हाँ सर। क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ। क्यों? क्योंकि हम बीजेपी को देते वोट। काम अच्छा करे बीजेपी अपने, इसलिए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? यहीं की रहने वाली हैं? नहीं। मंदसौर के हैं कि नहीं है? नहीं, यूपी। यूपी से आए हैं तो घूमने आए हैं? नहीं नहीं, मतलब रहते यहीं पर हैं। जी जी, एक्सक्यूज्ड। तो क्या करती हैं आप लोग? पढ़ाई करता। पढ़ाई करती है। वोट डालती हैं कि नहीं डालती है? हाँ, इस साल डालेंगे। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, तो फर्स्ट टाइम वोटर की पहली पसंद क्या है? मतलब जो भी अच्छा काम करेंगे, पेरेंट्स का जो भी फ्लो रहेगा उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों की किसी भी पार्टी से या सरकार से? कि पढ़ाई में कुछ भी हो, एक्चुअली हमारे बेनिफिट के लिए कुछ करें, या कोर्सेज लाएं ऐसे जिसमें हमें बेनिफिट हो, या यूथ को सोच के कुछ डिसीजन लें। कोई नेता आप लोगों को लगता है पसंद आता है, समझ में आता है कि नहीं ये नेता जो है ना हम लोगों के लिए सही है? नहीं। कोई नेता पसंद है? मोदी जी, मामा जी, कमलनाथ जी, राहुल जी, प्रियंका दीदी? हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी? हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी की कौन सी ऐसी बातें हैं या उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप लोगों को लगता है कि इसलिए मोदी जी हमको अच्छे लगते हैं? जब से वो इंडिया के प्रधानमंत्री बने तब से काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो उनसे एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी चेंजेस हो और स्टडी के क्षेत्र में आगे जाए। तो हम भी अब यहाँ से आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप देखते रहिए धरती पुत्र। शाम 5:55 पर फिर आपसे मुलाकात होगी टाइम्स ऑफ भारत पर। नमस्कार।